राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। जयपुर से बड़ी खबर, शहीद शमशेर अली की पार्थिव देह जयपुर फिलहाल लाई जा रही है। दोपहर 1:30 बजे स्पाइस जेट की फ्लाइट से जो पार्थिव देह शहीद की वो जयपुर लाई जा रही है। स्पाइस जेट की फ्लाइट SG-447 से पार्थिव देह जयपुर लाई जा रही है। शमशेर अली अरुणाचल प्रदेश में चीन बॉर्डर पर शहीद हो गए थे। राजस्थान के झुंझुनू जिले के रहने वाले थे शहीद शमशेर अली, और शहीद शमशेर अली की पार्थिव देह को जयपुर फिलहाल लाया जा रहा है। 1:30 बजे स्पाइस जेट की फ्लाइट से जो उनकी पार्थिव देह है उसे जयपुर लाया जा रहा है, और स्पाइस जेट की फ्लाइट SG-447 से उन्हें जयपुर लाया जा रहा है फिलहाल। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी ऋषभ पांडे फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ चुके हैं। ऋषभ, झुंझुनू के जो लाल शहीद हुए, एक बार फिर से देश की रक्षा के लिए पार्थिव देह फिलहाल जयपुर लाई जा रही है, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए जयति, राजस्थान के झुंझुनू जिले के लाल शहीद हुए हैं और टेंगा में 24 जो ग्रेनेडियर यूनिट है उसमें तैनात थे, और चीन पर सीमा में पेट्रोलिंग करते समय आतंकियों से लोहा लेते समय शहीद हो गए थे। उनकी पार्थिव देह गुवाहाटी से जयपुर लाई जा रही है, और उसके बाद कुछ ही देर में यहाँ पर पूरी जो प्रक्रिया है सेना की वो की जाएगी, और उसके बाद पार्थिव देह को जो उनके पैतृक गाँव है वहां पर लेकर जाया जाएगा, और आज शाम को वहां पर सुपुत्रे खाक या कल सुपुत्रे खाक किया जा सकता है। इसकी अभी पूरी जानकारी नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से राजस्थान के जो लाल हैं वो लगातार सेना में शहीद हो रहे हैं, और इस तरह से उसके बाद भी आपको बताना चाहूंगा कि उनकी चौथी बीवी थी, बाबा पिताजी पर बाबा सभी सेना में रहे हैं, और जिस तरह से इन्होंने वहां पर आतंकियों से लोहा लिया है तो कहीं ना कहीं राजस्थान गर्व महसूस करता है, और शहीद की जो शहीद हुए हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं जो राजस्थान के लोग हैं उनकी आंखें भी नम देखी जा सकती हैं। जी जयती जी, बहुत शुक्रिया ऋषभ तमाम जानकारी के लिए।